ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है और करीब 14 वर्ष के बाद वो सत्ता में वापस आ गई है। वहीं भारतीय मूल के ऋषि सुनक ये चुनाव हार गए हैं। ऐसे में क्या ब्रिटेन का रुख भारत के लिए बदल सकता है? ऐसे कई सवाल हम सबके मन में हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि लेबर पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिली है, 14 साल के बाद वो सत्ता में आए हैं, तो आप इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जीत इस मायने में ऐतिहासिक है कि जब 2019 में चुनाव हुए थे तो ये कहा जा रहा था कि लेबर पार्टी का इतिहास खत्म होने वाला है। दैट मीन्स कि उसका फ्यूचर अब नहीं है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ था और एक डोमिनेंस था कंजर्वेटिव पार्टी का अब यूके की पॉलिटिक्स में। लेकिन जिस तरीके से 5 सालों में जो हुआ, स्पेशली मैं इकोनॉमिक कंडीशन की भी बात करूं, इसी टाइम यूके जो है ब्रेक्जिट हुआ, उसका यूरोपीय यूनियन से भी अलग होता है, तो ये पूरा का पूरा जो 5 साल बहुत क्योटिक थे यूके की जनता के लिए। और ये जीत जो है लेबर पार्टी की, ये एक रिवाइवल है और एक मैसेज भी है, क्योंकि यूके में क्या होता है कि मेनली जो है वहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम है और डोमिनेंस है दो पार्टियों का, और छोटी पार्टियाँ हैं लेकिन दो पार्टियों का सिस्टम। तो जब ये देखा जा रहा था कि कंजर्वेटिव जो है वो डोमिनेंस में है, तो उनका अल्टरनेटिव क्या है, और अल्टरनेटिव के रूप में वो वीक बताए जा रहे थे, कमज़ोर बताए जा रहे थे। लेकिन कीर स्टार्मर की जो लीडरशिप थी, इस लीडरशिप ने फिर से रिवाइव किया, कंसोलिडेट किया अपने पोजीशन को। और ये जो हमने भी जो मैंडेट देखा, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा यूके के इतिहास में। अगर सर भारतीय मूल के हम ऋषि सुनक की बात करें तो वो चुनाव हार गए, इसकी कोई खास वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऋषि सुनक तो अपना चुनाव जीत गए हैं, बट उनके लीडरशिप में ये चुनाव जरूर हारे। और मैं इसका आपको अभी बता रहा था कि उसका एक संदर्भ ये है कि पिछले 5 सालों के इतिहास में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा, जो महंगाई रही यूके में, और आपको बता दें कि जो यूके है वहाँ पर सोशल पॉलिसी को लेकर के एक उसका हिस्टोरिकल फिलॉसफी रही है कि आप सोशलिस्ट रिफॉर्म्स भी कीजिए, आप कैपिटलिज्म भी रहिए। अच्छा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेडिकल इश्यूज को लेकर के जो वहाँ का जो मिडिल क्लास है बहुत बहुत फ्रंट में था, स्ट्रीट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि वहाँ पर डेंटल का जो इशू था, डेंटल हॉस्पिटल्स की इशू थी, वो बहुत ही क्राइसिस में थे। तो लोग छोटी छोटी समस्या को लेकर के, हेल्थ के इशू को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, इकोनॉमिक जो स्लो डाउन था उसको लेकर के, और जो एजुकेशंस बहुत जो एजुकेशन पॉलिसीज थी बहुत काफ़ी कॉस्टली थी, तो एक तरह से सोसाइटी में एक रेस्टलेस था। और आप देखिए कि बोरिस जॉनसन आते हैं, लिज ट्रस आती हैं, इसके बाद फिर ऋषि सुनक आते हैं। तो जब जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो, सॉरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होती है, पावर वो पार्टी वही है, लेकिन वहां पर भी लोग चेंज हो रहे हैं। अब इवन सुनक जी को भी देखिए कि ये भी 2 साल का इन्होंने टेंडर पूरा नहीं कर पाए। तो आप एक क्यूएटिक सिचुएशन में जब आपको सत्ता मिलती है तो बहुत बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि 2 सालों में सब कुछ आप बदल देंगे। तो इसका पूरा संदर्भ है वो 5 सालों का, जो कंजर्वेटिव पार्टी ढंग से प्रॉपरली टैकल नहीं किया, और यही कारण हुआ कि इतनी बुरी जो डिवास्टेटिंग डिफीट हुई। बिल्कुल। तो ये जो हार है आप ऋषि सुनक की, इससे अगर हम भारत से देखें तो क्या भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है इनकी हार? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब दूसरे देश पर कोई नेता या कोई पार्टी जब हारती या जीतती है तो फॉरेन अफेयर्स में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल शिफ्ट नहीं होता है। बिल्कुल। और जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन एक पार्टी पोजिशनिंग होती है। और पार्टी पोजिशनिंग की यदि बात करें तो यदि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव की बात करें तो इतिहास में लेबर पार्टी का क्रिटिकल स्टैंड रहा है इंडिया
के बारे में और हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं उसके बारे में हमने देखा है कि लेबर पार्टी के लीडरशिप ने कश्मीर इशू पर बहुत ही क्रिटिकल स्टैंड लिया और एंटी इंडिया स्टैंड था वो। तो हम ये कहते आए हैं कि लेबर पार्टी का जो स्टैंड है वो एंटी इंडिया है और जब इस बार जब कीर स्टार्मर की लीडरशिप में ये जीत हुई तो अचानक चारों तरफ ही चर्चा होने लगी व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग ऑन, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है ना। और ऋषि सुनक को ऐसा बताया जाने लगा कि कोई भारत का ही व्यक्ति वहां जाके प्रधानमंत्री बनने गए, एक यूफोरिया होता है और मुझे लगता है कि सच ये नहीं है, यथार्थ ये नहीं होता है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यूके के प्रधानमंत्री थे, वो ओरिजिन इंडियन ओरिजिन थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बस भारत इंडियन ओरिजिन है तो सब कुछ भारत को लुटा देंगे, ऐसा नहीं था। तो पुनः आपके सवाल पर मैं आता हूँ कि जहाँ तक चेंज की बात है तो मैं देखना चाहूँगा कि ये जो कीर स्टार्मर आते हैं तो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ही बोला था कि एक फंडामेंटल शिफ्ट होगा इंडिया को लेकर के, स्पेशली पार्टी के स्टैंड की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि लीड वही कर रहे थे। और वो फंडामेंटल शिफ्ट ये था कि उन्होंने कहा कि तीन चीज़ें हम करेंगे, एक तो जो हिंदू फोबिया है ब्रिटेन यूके में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था लेबर पार्टी को लेकर के कि मतलब ये क्या करेंगे, और एक अच्छी खासी तादाद थे भारतीयों की वहाँ पर, अच्छा टैक्स पे करते हैं, एक अच्छा उनका रोल प्ले है पॉलिटिक्स में, तो एक बेचैनी थी कि आखिर होगा क्या जब ये आएंगे। तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में ही कहा था कि अब ये लेबर पार्टी वो पार्टी नहीं है कि एक हिंदू फोबिया यहाँ क्रिएट किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। इवन आपको बता दूँ कि टेम्पल्स में भी वो गए, वहाँ राधा टेम्पल वहाँ पर वो गए और वहाँ जा कर के बकायदे पूरे भारतीयों के साथ दिवाली होली मनाना। तो एक जो ऋषि सुनक की जो पोजिशनिंग थी भारत को लेकर के और हम वो उसको स्वाभाविक मानते थे बिल्कुल exactly, वो हिंदू छवि है, हिंदू छवि है, हाँ भारत के हैं, कभी उनके डाउन स्ट्रीट 10 डाउन स्ट्रीट में हमने गाय को दिखा दिए, कभी दिवाली में पूजा करते हुए दिखा दिए, तो एक स्वाभाविक वही नेचुरल जो अलाइनमेंट है या कह सकते हैं नेचुरल अटैचमेंट है, यही लेबर पार्टी की लीडरशिप ने भी दिखाई। तो आप बहुत फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आने वाला है लीडरशिप चेंज को लेकर के, पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि पॉलिसी को लेकर बात करते हैं, पॉलिसी में ये है कि जो सबसे बड़ा हमने देखा कि कंटिन्यूटी है एक FTA को लेकर के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में इस बात को प्रयास किया गया कि इसको फाइनल शेप दिया जाए। बहुत बड़े हिस्टोरिक ये डील होने वाली है कि भारत और कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है लेकिन फाइनल शेप अभी नहीं मिला। हाँ जी, कुछ उसमें ऐसे क्लॉजेस हैं जहां पर दोनों सरकारें भारत और यूके की गवर्नमेंट अभी फाइनल शेप नहीं दिया। तो यहां पर जो पॉलिसी लेवल पर भारत और यूके के साथ जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो सबसे बड़ा एजेंडा होगा कि क्या करेंगे इस कीर स्टार्मर यदि आ गए हैं तो होने वाला क्या है। तो जी ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आने वाला, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी के आ जाने से ये जो है FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी डस्टबिन में जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको स्पीड अप करेंगे, इसको फाइनलाइज देंगे और कोशिश करेंगे कि भारत के साथ, क्योंकि इंडिया इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमिक क्लाउड, इंडिया का जो इकोनॉमिक क्लाउड है वो ग्रो कर रहा है, एंड नाउ वी आर इन द पोजिशन टू वी आर गेटिंग द पोजिशन फॉर थर्ड इकोनॉमी राइट अक्रॉस द वर्ल्ड। आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोले कि उनके तीसरे टर्म का जो काल है वो उस टेन्योर में वो भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं विश्व की। तो ब्रिटेन भी यूके भी चाहता है कि इस जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके साथ यदि FTA होता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो हमारा ट्रेड अच्छा बढ़ेगा, फैसिलिटेट करेगा। और जो यूके का जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम वहाँ का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो रिवाइव होगा। तो ये तो सर नुकसान की बात हो गई कि नुकसान होगा या नहीं होगा भारत को। एक सवाल और है कि सर ऐसा लगता है कि
जो ऋषि सुनक की हार हुई है इस चुनाव में वो इसलिए भी हुई है कि उनकी जो छवि थी वहाँ पे वो हिंदू मूल की बन गई थी, वो मंदिर जाते थे कई बार, वो भारत आके भी मंदिर गए हैं, तो क्या इस वजह से उनकी चुनाव में हार हो गई? जी नहीं, ये गलत परसेप्शन है कि हिंदू छवि का कोई ऐसे सवाल नहीं था यूके के इलेक्शन में, और वहाँ पर सबसे बड़े सवाल थे वो आर्थिक सवाल थे, इकोनॉमिक क्वेश्चंस थे। मैंने कहा आपको इन्फ्लेशन था, वहाँ महंगाई का सवाल था, वहाँ पर जो 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 यूथ था जॉब का सवाल था, एजुकेशन बहुत हाई कॉस्ट की थी, ठीक है, सोशल पॉलिसी को लेकर के डाउनफॉल था। तो लोग चाहते थे कि उनको वेलफेयर स्कीम्स हो, तो एक तरह से इकोनॉमिकली बहुत स्लो डाउन था, इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट था। और आप याद होगा कि जो ब्रेक्जिट को लेकर के बहुत बड़ा सवाल था कि हम यहाँ से अलग होते हैं और यूके नहीं चाहता है कि यूरोपीय यूनियन का जो उनके कॉमन पॉलिसी है स्पेशली इमिग्रेशन को लेकर के, वो तो एक तरह से यूके में एक टर्मोइल चल रहा था, तो वो टर्मोइल का नतीजा था, वो अशांति का नतीजा, वो ऐसा नहीं था भारत आते हैं तो कोई भी वैश्विक नेता भारत आते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो एक तरह से वो कल्चरल इंट्रैक्शन है। Exactly, और ऋषि सुनक तो भारत से ही है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि भारत के किसी मंदिर पर जाते हैं तो एक तरह से पीपुल टू पीपुल जो इंट्रैक्शन और सॉफ्ट पावर एक्सपेंशन होता है। आप यदि भारतीय प्रधानमंत्री भी यदि दूसरे देश जाते हैं, वहाँ मंदिर जाते हैं या उनके जो धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो एक तरह से सिमेंटिक पोजीशन है, नो इट सीमेंट्स योर बायलैटरल रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स सेंटीमेंट। तो ऐसा कोई, मैं नहीं मानता हूँ कि ये छवि जो बनी वो छवि से उनकी हार हुई, वो हार का रीजन ये था इकोनॉमिक आर्थिक सवाल। जी सर, ये एक ब्रिटेन में जैसे कह रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव हो गया है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ नीतियों का बदलाव हो सकता है भारत के प्रति, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि पॉलिसी लेवल पर बहुत फंडामेंटल चेंज नहीं आने वाले हैं। जी हाँ, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो FTA को लेकर के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इसको फाइनल सीट दिया जाए, और यूके की गवर्नमेंट ये भी चाहेगी कि भारतीय जो बाजार है, इंडियन मार्केट है, उस इंडियन मार्केट में जो स्पेशली जो वहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसमें टैरिफ का जो बैरियर है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो, वो कम हो, और वो स्कॉच बिस्की की बात करते हैं कि इस पर टैरिफ कम से कम लगे तो थोड़ा सा उसका रिवेन्यू बढ़ेगा, तो और भारत में लोग स्कॉच पीते भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि उनको मार्केट चाहिए, भारतीय बाजार चाहिए, ठीक है ना। हाँ। तो वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि जो FTA एग्रीमेंट है ये बहुत जल्दी फाइनल शेप में ले, तो मुझे लगता है कि लेबर पार्टी की एजेंडा से ये चीज़ें फाइनल शेप लेने वाली हैं जल्दी से जल्दी। एक तो सर ये सवाल सबसे जो ज़रूरी सवाल है वो ये है कि आपको क्या लगता है लेबर पार्टी का जो रुख है वो भारत को लेकर कैसा है? मेरे हिसाब से सबसे जो है महत्वपूर्ण सवाल है। जी, रुख भारत के प्रति, आप लेबर पार्टी की यूके की बात कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का जो रुख भारत के प्रति एक आशान्वित है और पॉजिटिव स्टैंड है और बहुत ही आशा भरा रुख है, वो इसलिए है कि भारत एक ऐसा देश है जो पीस मेकर के रूप में उभरा है। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ पीस मेकर कंट्री, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ ब्रिज बिल्डर बिटवीन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो ये जो डिवीजन है पूरे ग्लोबल ऑर्डर में, इस डिवीजन को यदि कोई ऐसी कंट्री है दुनिया में, भारत ही है जो इस डिवीज़न को, इस जो विभाजन की जो दूरी को कम करने का जो फिलॉसफी वो भारत के पास है, और भारत ने अपने G20 में ये करके दिखाया है कि जहाँ पर दुनिया बटती है भारत उस दूरी को कम करता है। तो मुझे लगता है कि यूके भी वही आशावादी नज़रों से भारत को देखता है कि यूके की जो इकॉनमी रिकवर हो, और जो इकोनॉमिक आप देखते हैं कि हम यूके से आगे निकल गए हैं, ठीक है ना, हमारी जो पोजीशनिंग 5th है,
तो वो कंट्री जिसको हमने पीछे किया है, तो वो कंट्री कभी नहीं चाहेगी कि हमारे से कोई एंटी स्टैंड ले भारत के प्रति। और हमने कई मुद्दों पर हमारा उनके साथ एक अलाइनमेंट है, जैसे इंडो पैसिफिक को लेकर के अलाइनमेंट है। हम G7 पर अभी गए थे, वहाँ पर आपने देखा कि भारत को किस तरीके से वार्म वेलकम किया गया। तो कई ऐसे ग्लोबल फोरम्स हैं जहाँ पर UK और इंडिया का एक कॉमन इंटरेस्ट है और शेयर करते हैं साथ में। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के साथ UK का कोई स्टैंड चेंज होगा, बल्कि और वो अधिक पोजीशनिंग लेगा और प्रायोरिटाइज करेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया, इतने अच्छे से हमको इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू।